दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे भाजपा सांसद वरुण गांधी ने करीब 2 दर्जन से अधिक गांवों का दौरा कर जनसभाओं को संबोधित करते हुए अपनी ही सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। मन से जनता को संबोधित करते हुए वरुण गांधी ने कहा कि आज देश में जब कोई पूंजीपति लूट लेता है तो उसको बोला जाता है कि जब चाहे वापस कर दीजिएगा। हमारी देश में सबसे बड़ी समस्या है कि व्यवस्थाएं सब लोगों के लिए एक समान नहीं है। अगर कोई बड़ा आदमी पुलिस थाने में जाता है तो पुलिस कहती है आइए बैठिए, इन साहब के लिए चाय लाइए जरा, और यदि कोई आम आदमी जाए तो उससे कहा जाता है हाँ भाई क्यों आए हो जान खाने, ऐसा क्यों है। आज देश की आजादी के बावजूद भी अपने अधिकारियों के लिए किसी की सिफारिश करनी पड़ती है, जिसके कारण एक व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता। करोड़ का लोन लेता है तो उसको बोला जाता है कोई बात नहीं, जब चाहे आप वापस कर लीजिए, जितना चाहे आप कर लीजिए। भाइयों, हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि व्यवस्था सब लोगों के लिए एक समान नहीं है। व्यवस्था सब लोगों के लिए एक समान नहीं है। अगर एक बड़ा आदमी पुलिस थाने में जाता है तो पुलिस के लोग कहते हैं कि आइए साहब बैठिए, इनके लिए साहब के लिए चाय लाइए, और एक आम आदमी जाता है तो कहते हैं हाँ भाई क्या बात है, क्यों जान खाने आया, क्या मैं सही कह रहा हूं कि मैं गलत कह रहा हूं, ऐसा क्यों है? भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और देश की असली समस्या बेरोजगारी और महंगाई बताई। वरुण गांधी ने आगे कहा कि हाँ मतलब हिंदू, माँ से मुसलमान, सा से सिख, बा से बाकी सब हिंदुस्तान, हम सब मिलकर देश का भविष्य संवारेंगे। हिंदू, माँ से मुसलमान, से सिख और बस बाकी जितने हिंदुस्तानी हम सब, और हम सब मिलकर हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा करेंगे, क्योंकि ये हिंदुस्तान पे हम सब का अधिकार है, हम सब का खून इस हिंदुस्तान की मिट्टी में मिला हुआ है, और हम सब मिलकर इस देश तो सुना आपने, सांसद वरुण गांधी लगातार अपनी ही सरकार के निजीकरण व्यवस्था को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते दिखे, जिसको लेकर देश हित में लगातार उन्होंने युवाओं और जनता के बीच पहुंचकर अपने संसदीय क्षेत्र में समर्थन जुटाया और एक शक्ति प्रदर्शन का माहौल जोड़ते हुए दिखाई दिए। पीलीभीत से ऋषि शर्मा, पब्लिक न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।